वर्वन से एक बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है, जिसमें दो आरएनबी के मुलाजिम जो है वो उनकी मौत हो गई है और दो लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। उनमें एक मुलाजिम जो है वो उसकी बेटी जो है वो जो है इंजर्ड है। मैं बता दूं, ये हादसा तब हुआ जब आरएनबी डिपार्टमेंट की जो सनो क्लियरेंस मशीन जो है वो आपकी सड़क पर जो है वो बर्फ जो है वो हटा रही थी और उसमें जो ये एक लड़की शाफिया बानू, जिसका नाम बताया गया है, जो गुलाम मुहिद्दीन साहब की जो है वो बेटी है, जो ज़ख्मी हुई इसमें, उन्होंने इस सनो कटर वाले से जो है वो लिफ्ट लेकर जो है वो इनको आपी की तरफ जाना था, क्योंकि वर्वन में इस वक्त बर्फबारी की वजह से जो है वो सड़कें जो है वो बर्फ़ से भरी हुई थी और इन्होंने जो है वो लिफ्ट जो है वो उससे ली थी। और ये सनो कटर जब थोड़ी ही दूर पर जब जाके पहुँचा तो वहाँ पर जो है ये हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है, जो गुलाम मुहिद्दीन साहब है, जिनकी उम्र तकरीबन 7 साल के करीब है, गुलाम मुहिद्दीन चौपाल, उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा अब्दुल गनी कोका है, साना सुबहान कोका, जो कि ब्रायन के रहने वाले हैं, उनकी उम्र 48 साल के करीब है, उनकी जो है वो डेथ हो गई। इसके अलावा खुर्शीद अहमद साना प्लेट, गुलाम मोहम्मद जो है रेजिडेंट ऑफ ब्रायन, इनकी उम्र 38 साल है, ये ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा शाफिया बानू, जो गुलाम मुहिद्दीन साहब की बेटी है, वो जो है वो ज़ख्मी हुई हैं। और बताया जा रहा है कि ये ज़ख्मी तो हुए हैं लेकिन स्टेबल इनकी कंडीशन है, क्योंकि वर्वन में इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो है इनको वहाँ से शिफ्ट करने की जो है वो कोशिशें अभी बेकार है। लेकिन जो डॉक्टर है, अभी हमें बताया गया है कि वो वहाँ पर पहुँच चुका है और इनका इलाज जो है वो जारी है। और मैं बता दूं कि ये बदकिस्मत हादसा जो है वो आफ्टी के करीब हुआ है, जहां पर सनो कटर मशीन जो कि सनो क्लियर कर रही थी आफ्टी सड़क को लेकर को, वहां पर जब ये हादसा हुआ, इसमें जो है वो ये दो जो जाने जो है वो चली गई, जिनमें गुलाम मुहिद्दीन साहब और अब्दुल गनी कोका जो है वो उनकी जाने चली गई, और ये ड्यूटी पे थे उस वक्त, सनो क्लियरेंस कर रहे थे। अभी जो बाकी जख्मियों का अपडेट हमें इतना ही आ रहा है कि दोनों की कंडीशन स्टेबल है और आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अभी जो है उसमें क्लीयरेंस पूरी तरह से नहीं आ रही है, क्योंकि वर्वन जो है वो एक कट ऑफ इलाका है, जहां पर इस वक्त -10-12 जो है वो टेम्परेचर है और बर्फबारी हो रही है, और काफ़ी बर्फबारी जो है वो इस एरिया में हो रही है। अभी इसमें ऑफिशियल्स जो है वो कम्युनिकेशन करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ पुलिस का ही एक ऐसा कम्युनिकेशन है, वायरलेस नेटवर्क है, जहां से कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन जो आम टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क जो है वो इतना वहां पर चलता नहीं है, लेकिन जियो का नेटवर्क जो है वो वहाँ से चलता है, वहाँ चल रहा है, लेकिन क्योंकि बर्फबारी हो रही है इसकी वजह से वो जो है उतना इफेक्टिव काम इस वक्त जो है इस सीज़न में नहीं करता। अभी हमें इंतज़ार रहेगा कि इस पर क्या फर्दर अपडेट आएगी, लेकिन अभी की अपडेट यही है कि वर्वन के बदकिस्मत सड़क हादसे में जो है वो दो लोगों की जो है वो जाने चली गई हैं और दो लोग इसमें ज़ख्मी हो गए हैं।